सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं आपके लिए एक अलग टाइप की वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी दोनों सेंटर या फिर स्टेट लेवल की जॉब में हैं और दोनों का अलग अलग ट्रांसफर, अलग अलग पोस्टिंग है, फॉर एग्जांपल एक की यूपी में है, सेंटर की बात करता हूँ, एक की यूपी में है, एक की कर्नाटक में है, स्टेट की बात करता हूँ, स्टेट में अगर मैं यूपी लेता हूँ, एक की आपकी बलिया में है और एक की आपकी फिरोजाबाद में है, एक की फिरोजाबाद में है और एक की आपकी आगरा में है, तो वे दोनों एक ही प्लेस पे नौकरी पाने के हकदार होंगे। ये हमारा जीओबी है और ये हाई सुप्रीम कोर्ट ने हमारा सर्कुलर भी इशू किया हुआ है, ऑर्डर भी इशू किया हुआ है, मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा दूंगा। अभी क्या होता था कि जैसे आपके बड़े अधिकारी हैं, बड़े लेवल के ऑफिसर हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती ट्रांसफ़र कराने में, आप सभी जानते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होती उन्हें, पर दिक्कत ही नहीं होती है छोटे छोटे कर्मचारियों को, जैसे कि यूपी पुलिस में कॉन्स्टेबल हो गए, एसआई भी मान सकते हैं, पर यूपी पुलिस में कॉन्स्टेबल की बात करें उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि यार मेरी वाइफ उधर बलिया में पढ़ी है, मैं यहाँ पर फिरोजाबाद में पढ़ा हूँ, तो कैसे ट्रांसफ़र कराए एक दूसरे का हम एक ही जगह पर, तो कुछ को दिक्कत होती है कि भाई हमारे 3 साल पूरे नहीं हुए, हमारे 2 साल पूरे नहीं हुए, तभी ट्रांसफ़र होगा, तभी हम आगे सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश हो पाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके को अगर आपको नॉलेज है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो आप पेश होकर अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं जेन्युइन कंडीशंस में। मैं आपको दो आपको शासनादेश दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश के, जो कि उत्तर प्रदेश शासन से इशू किए हुए हैं, एक उत्तर प्रदेश शासन से और एक और दिखाऊंगा, दो एक सेंटर का है और एक स्टेट का है। अगर आपको आप और आपकी वाइफ अलग अलग जिले में पोस्टेड है, यूपी में या फिर सेंटर में, एक दूसरे राज्य में है, एक अलग राज्य में है, तो आप इन शासनादेश का हवाला देकर अपना ट्रांसफ़र एक ही प्लेस पे करा सकते हैं। आपको किसी ब्रोकर की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं इधर उधर फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको नॉलेज होनी चाहिए बस, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप अपनी बात रखते हैं, तो किस बेसिस पे रखते हैं आप अपनी बात, इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे रखते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। सो गाइस, हियर इज आवर शासनादेश। आप देख सकते हैं ये इशू हुआ था 5 जनवरी 1976 को, समस्त विभाग अध्यक्ष के लिए था, समस्त कार्यालय अध्यक्ष के लिए था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। महोदय, मुझे कहने का निर्देश हुआ कि राज्यपाल महोदय ये आदेश देते हैं कि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कर्मचारी अधिकारी हो तो उन्हें नियुक्त करते समय दोनों को एक ही स्थान पर रखने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। अब देखो भाई, इसकी संख्या भी डली हुई है, और जो ये आयुक्त तो और सचिव थे पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी, इनकी तरफ से ये इशू किया गया था। तो ये तो हमारा है यूपी का शासनादेश। आप ये शासनादेश अपना अटैच करके जो भी आपके संबंधित सीनियर होंगे जिनके माध्यम से ट्रांसफ़र होता होगा उनके सामने पेश हो सकते हो और अपना ट्रांसफ़र एक ही जगह पर करा सकते हो, क्यों गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी यार कि पति इधर है पत्नी उधर है, वे भी सुविधा ही देना चाहेगी। कोई भी गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों का बुरा कभी नहीं चाहेगी, सभी के सभी हित में चाहेगी। अब देखो, ये तो है केवल उत्तर प्रदेश के लिए। अब मैं आपको एक शासनादेश और दिखाने वाला हूँ, वो है आपका सेंट्रल, सेंट्रल टू स्टेट, दोनों सेंट्रल में है या दोनों स्टेट में है, या पब्लिक PSU में है, या फिर आपका ऑल इंडिया सर्विस में। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये आपका इशू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, न्यू दिल्ली, और कौन सी तारीख का है, 30 सितंबर 2009 का। अब ये देखो भाई, ये आपका शासनादेश मैं आपको दोनों के दोनों अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। अब मैं आपको इनमें मेन चीज़ बताता हूँ। ये देखो, आप सबसे पहले इसका जो ये वाला फोर्थ का फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ूँ। फोर्थ का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर दोनों के दोनों स्पाउसेस यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के दोनों अगर ऑल इंडिया सर्विसेज में है तो उनका होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एक ऑल इंडिया सर्विस में है एक सेंट्रल सर्विस में है उनका होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर दोनों के दोनों ही सेम सेंट्रल सर्विस में है तो उनका होगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एक सेंट्रल सर्विस में है और दूसरा भी सेंट्रल सर्विस में है बट अलग जगह वो सेंट्रल सर्विस में है तो फोर्थ उसके लिए कहता है। फिफ्थ, सिक्स्थ, अब देखो आप आ जाओ सेवन्थ पे। सेवन्थ पे क्या कह रहा है, अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक दूसरे स्टेट गवर्नमेंट में है तो उनके लिए भी ये शासनादेश अप्लीकेबल होगा। एट्थ आ जाओ, एट्थ है, एट ज़्यादा काम का है। देखो,
8th है, अगर दोनों के दोनों स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉई है तो उनके लिए क्या होगा। द हस्बैंड एंड वाइफ इफ वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट एंड इफ द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ पोस्ट इज अवेलेबल शुड इनमेरिएबल बी पॉस्टेड टुगेदर इन ऑर्डर टू एनेबल देम टू लीड अ नॉर्मल फैमिली लाइफ एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन स्पेशली टिल द चिल्ड्रन अटेन 18 ईयर ऑफ एज। इसका मतलब अगर दोनों के दोनों हस्बैंड एंड वाइफ सेम डिपार्टमेंट में हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ले लो, सेम डिपार्टमेंट में है और रिक्वायर्ड लेवल ऑफ पोस्ट अवेलेबल है, यानी कि वहाँ पर वैकेंसीज है कि वहाँ पर वो पोस्ट किया जा सकता है, शुड इनवेरिएबली बी पोस्टेड टुगेदर, वे साथ में पोस्टेड किए जा सकते हैं, इन ऑर्डर टू एनेबल देम टू लीड अ नॉर्मल फैमिली लाइफ, एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जीने के लिए, एक हंसी खुशी नुमा जीवन जीने के लिए, एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन और अपने बच्चों की प्रगति की ओर ध्यान देने के लिए, स्पेशली टिल द चिल्ड्रन अटेन 18 ईयर ऑफ एज, जब तक बच्चे 18 साल की उम्र प्राप्त नहीं कर लेते। दिस विल नॉट अप्लाई ऑन अपॉइंटेड अंडर द सेंट्रल स्टाफ स्कीम वेयर ओनली वाइफ इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड अबव कंसेशन शुड बी अप्लीकेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट। ये केवल गवर्नमेंट सर्वेंट पे ही अप्लीकेबल होगा। तो ये आपका शासनादेश ये रहा स्टेट टू स्टेट 8th, और बाकी अगर स्टेट टू स्टेट कोई नहीं है, सेंट्रल टू स्टेट है या सेंट्रल टू सेंट्रल है, ऑल इंडिया सर्विस टू ऑल इंडिया सर्विस है या पीएस टू पीएसयू है, वो बाकी के पॉइंट के हिसाब से अपना ये अटैच करके पेश हो सकते हैं संबंधित प्राधिकरण अथॉरिटी सीनियर जो भी आपके होंगे, और यथासंभव प्रयास किया जाएगा उनको एक ही जगह पोस्ट करने के लिए। तो ये आपके दोनों शासनादेश मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, चलो अगली नेक्स्ट वीडियो एक अच्छी सी वीडियो लेके आता हूँ ऐसी जानकारी भरी। तब तक के लिए बाय बाय। तो देखा आपने इन शासन देश का, देखिए कि हम जो है अपना ट्रांसफ़र, हम और हमारी वाइफ का ट्रांसफ़र एक ही जगह करा सकते हैं, ये हमारा हक है। ये नहीं है कि हम इधर है हमारी वाइफ उधर है और हम अपनी ड्यूटी और फिर पारिवारिक जो भी संबंध होता है उनको आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे उन दोनों को आपस में। ऐसा गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई इतने मेहनती है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के दोनों सर्विस में है तो हम उनका भी कुछ ध्यान रखें अगर वो हमारे लिए सर्विस कर रहे हैं, इसी वजह से ये दोनों के दोनों विषय किए हुए। तो आगे आपको कोई भी ट्रांसफ़र कराना हो आप ये दोनों शासनादेश लगा देना और अपना ट्रांसफ़र आपका 101% हो जाएगा। लोग डरते हैं यार, कोई ना कोई भर देते हैं उन्हें, जैसे कुछ लोग होते हैं पुराने वगैरह लोग होते हैं, नॉलेज होती नहीं कुछ लोगों को, तो वे दूसरों को भर देते हैं कि नहीं यार तुम्हारा कैसे हो जाएगा, तुम्हारे एक दो साल की सर्विस है। अरे पागल हो, ये तो देखो तुम्हारे पास प्रूफ है, जनरेशन पढ़ी लिखी आ रही है तो उसका कुछ फ़ायदा उठाओ तुम लोगों। और जो ये दोनों के दोनों शासनादेश है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकाल लेना, और अगर आपका इनसे ट्रांसफ़र नहीं होता आप मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में नंबर भी छोड़ दूंगा अपना अगर आप बाद में आप कहोगे तो, पर आपका 101% ट्रांसफ़र हो जाएगा। किसी की बातों में मत आना कि भाई तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये वो फलाना ढिकाना, ऐसा कुछ नहीं है यार। तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हारे पास चलने सक्षम अधिकारी तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास पैर होने चाहिए, वहाँ से आगरा से जैसे आपको लखनऊ जाना है जेब में पैसा होना चाहिए, और तीसरी बात आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, चौथी बात नॉलेज कैसे आएगी, जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आपके पास नॉलेज आएगी। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ और इससे आप अपना जो भी है कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर कभी। ओके बाय बाय।